आज देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना तमाम मंदिरों में की जा रही है। मां स्कंद माता की विधि विधान से पूजा अर्चना जो है वो आज की जा रही है। इसके साथ ही साथ नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो की जाती है। तो नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का पांचवां रूप है। मान्यता है कि देवी स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति संतान सुख की प्राप्ति करता है। इसके साथ ही साथ नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता को विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो मंदिर हैं उनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो नवरात्र में देवी दुर्गा की उपासना के पर्व के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्र के दौरान भक्त मां दुर्गा का आराधना करने में लीन है। नवरात्र के हर दिन मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पांचवें दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। मां के स्वरूप की बात करें तो मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल लिए दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे में माता तीर को संभाले हैं। मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों का कल्याण करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार मां स्कंद माता की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:30 से लेकर 12:30 तक रहेगा। नवरात्र के पांचवें दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीरें प्रतिमा स्थापित करें, गंगाजल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें और पूजा का संकल्प लें। आरजू हमारी सहयोगी झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ तमाम अपडेट्स और तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ अक्षय जायसवाल जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आरजू का ही रुख करता हूं। आरजू, झंडेवालान मंदिर में किस तरीके से रौनक नजर आ रही है आज नवरात्र के पांचवें दिन? आरजू आवाज आ रही है आप तो? आरजू से संपर्क करते हैं, लेकिन पहले जरा रायपुर चलते हैं। अक्षय जायसवाल हमारे सहयोगी रायपुर से तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए जुड़ गए हैं। अक्षय, रायपुर में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है आज नवरात्र के पांचवें दिन? मंदिरों में कितना उत्साह जो है वो भक्तों में दिख रहा है? अक्षय जी, देखिए आज नवरात्र का पांचवा दिन है और आम जनता जो भक्तों ने है घरों में घट स्थापना कर रखी है। इस वक्त राजधानी जयपुर के राजा पार्क स्थित माता रानी के मंदिर मौजूद है और जो भक्त है सुबह से ही जो माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर आए हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि सुबह से ही जो सबसे पहले नहा धोकर जो माता रानी की जो भक्ति है, सबसे पहले जो भक्त है पहले मंदिर आते हैं फिर घर में अपने पूजा करते हैं। तस्वीरें देखें कि किस तरीके से जो भक्त है यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, माता रानी से मन्नतें मांग रहे हैं और आम जनता ने घरों में भी घट स्थापना कर रखी है। आम जनता ये 9 दिन का व्रत करती है, अपने मन को शुद्ध करती है, मंदिरों में पूजा करती है, व्रत रखती है। और आज आपको बता दें कि आज पांचवा नवरात्रा है तो पांचवा नवरात्रे में कुछ आम जनता से भी बातचीत करेंगे जो मंदिर आई हुई है, माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। किस तरीके से आपने क्या व्रत रख रखे हैं? व्रत नहीं रखे, आज मेरी माता रानी को साड़ी चढ़ाई थी, 7 से 8 का टाइम था, उसी के लिए हम लोग सारे फैमिली लोग आए हुए थे माता रानी का दर्शन करने। कैसा लग रहा है नवरात्र के दिन चल रहे हैं, आज पांचवा नवरात्रा है? नवरात्रि के दिन तो ऐसे धूम रहती है फेस्टिवल की, बहुत अच्छी लग रही है हम लोग को। हर दिन ऐसा लगता है कि सुबह उठो माता रानी का दर्शन करो, रात में भी माता रानी का दर्शन करके ही हम लोग सोते हैं, बहुत अच्छी लग रही है। क्या विशेषता है व्रत की, क्योंकि घरों में व्रत भी करते हैं कुछ आम भक्त जो घर में माता रानी को बैठाते हैं, घट स्थापना करते हैं, व्रत करने के भी नियम होते हैं, किस तरीके के व्रत चल रहे हैं आप लोगों के? मैं तो व्रत की नहीं हूँ, पर व्रत हम लोग के फैमिली में भी होते हैं, सबको बहुत अच्छा से करते हैं। माता रानी को नवमी को हम लोग खिलाते भी है सारे छोटे छोटे बच्चे को माता रानी को के लिए। जी देखिए, भक्तों में एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है जब भी नवरात्र आते हैं, क्योंकि माता को घर पर बिठाते हैं, 9 देवियों के स्वरूप की पूजा की जाती है, उनको खुश करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, उनको अलग अलग चुन्नियाँ पहनाई जाती है,
तो भक्तों में एक अलग ही जो भक्ति भावना है वो इन नवरात्रों में देखने को मिलती है। तीन से चार दिन बाद विजयदशमी राजधानी जयपुर में पूरे शहर भर में रावण दहन होगा और मान सकते हैं कि नवरात्रे जब ये चल रहे हैं तो माता रानी की एक भक्ति जो है यहाँ पर सीधे तौर पर भक्तों में मंदिरों में चाहे घर पे वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। और भी भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, माता रानी के मंदिर आए हैं, किस तरीके से देखते हैं नवरात्रों को। जय माँ वैष्णो देवी। माता रानी के मंदिर में आने के बाद सर अलग ही सुकून मिलता है, और स्पेशली अभी जो नवरात्र चल रहे हैं और उसके अंदर हमें मतलब जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं मतलब कॉलेज जाता हूँ तो मुझे रास्ते में जो भी मंदिर मिल जाता है मंदिर दर्शन जरूर करता हूँ, और ये हमारे लिए मतलब बहुत ही खास दिन है और स्पेशली जयपुर के अंदर। धन्यवाद जी। देखिए देख सकते हैं सीधे तौर पर जो भक्तों में जो खुशी की लहर है इन नवरात्रों में सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। मंदिर के जो महंत है पुजारी है माता रानी, 9 दिन अलग अलग विशेष पूजा है माता रानी की, किस तरीके से देखते हैं महाराज? शारदीय नवरात्रों का ये पांचवा दिन है। पांचवें नवरात्रि की महाशक्ति का नाम स्कंद माता लगो दो स्कंद माता कहलाता है। स्कंद माता भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र को लालन पालन करने से एक नाम इनका स्कंद माता हुआ है। भगवान विष्णु ने 5000 साल तक जालंधरिक नाम के राक्षस से भी युद्ध किया था, उसके बाद में उसने भगवान से नहीं मरा, उसके बाद में देवताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में भगवान सब ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हुए, भगवान शिव को बुलाया गया। शिव को बुलाकर पूर्ण रूप से शिव को गुस्सा आया। गुस्सा आने से भगवान शिव ने यक्षस्व रूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै मकराय नमः शिवाय। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु विष्णु क्या बात है, कैसे फोन किया मेरे को? भगवान विष्णु के फोन से तुरंत भगवान शिव आ गए, जहाँ देवता सब वहाँ खड़े थे पृथ्वी में थे। तो भगवान शिव ने यक्ष का रूप बनाया, बड़ा विकराल रूप बनाकर बड़ी बड़ी जटाएं बड़ी बड़ी भुजाएं बनाकर भगवान ने पिनाक नाम धनुष से कहा कि अभी बताओ कहाँ राक्षस है। ब्रह्मा जी से कहा गया, ब्रह्मा जी ये कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अपन तीनों देवता ने उसको आशीर्वाद दिया, वो ऐसे नहीं मिलेगा, पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा रखा है, आपको शादी करनी पड़ेगी। भगवान शिव ने शादी करी, उसके बाद में ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव होने के बाद में राक्षसों के द्वारा उसने कार्तिक जी को उठा ले जाने के बाद माता जी प्रकट हुई। माता ने कार्तिक जी को बचाकर पूर्ण रूप से सैनिक बनाया, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद में देवासुर संग्राम हुआ, उसमें सैनिक का रूप जो है वो स्कंद जो देवता है कार्तिक जी उनका लालन पालन करने से इनका नाम एक स्कंद माता कहलाता है। माँ और बेटे का प्रकांड प्रेम प्रदान करने वाली स्कंद माता सभी के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रे की ये पांचवी महाशक्ति है, प्रबल शक्ति है, सर्वशक्तिमान मातेश्वरी है। नवरात्रे मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि होती है, जीवन में नई ऊर्जा आती है, व्यापार में समृद्धि होती है, देश संपन्न होता है, हमारे सैनिकों को बल मिलता है और अष्टपुष्ट आशीर्वाद मातेश्वरी के द्वारा प्राप्त होता है। जनता का तांता लगा हुआ है, सभी भक्तगण माताएं बहनें नवरात्रों में संलग्न है। रोज नित्य प्रति यहाँ 6:30 बजे मंगला आरती होती है, उसके पूर्ण दर्शन करते हैं। संध्या आरती 7:30 बजे होती है, उसके बाद में शयन आरती 10:00 बजे होती है। दोनों टाइम भोग लगता है, 9 दफे मातेश्वरी की ड्रेस चेंज होती है, दिव्य स्वरूप है ये। नवदुर्गा की पूजा चल रही है, 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा होगी और पूर्ण रूप से ये नारी शक्ति के दिन है। नारी का जिस घर में सम्मान होता है वो घर उत्थान होता है, और जिस घर में नारी का तिरस्कार होता है वो घर नरक के स्वान हो जाता है। सभी को आनंद हो, परमानंद हो, नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि आपके लिए सभी के लिए मंगलमय हो, मंगलमय जीवन, मंगलमय परिवार, मंगलमय व्यापार, आनंद हो, परमानंद हो। जय माता की, जय सियाराम। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं अक्षय आपका रुख करता हूँ दोबारा, जरा मैं आरजू का रुख करता हूँ। आरजू झंडेवालान मंदिर से तमाम तस्वीरों के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू झंडेवालान मंदिर में क्या कुछ नजर आ रहा है, भक्त कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से, जरा सबसे पहले भक्तों को माता के दर्शन भी करा दीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए 9 दिन 9 देवियों की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है, और जिनके घर में स्त्री को सम्मान दिया जाता है उनके घर में वृद्धि जो है वो देखी जाती है, जिस तरीके से पंडित जी बता रहे थे। इस वक्त हम झंडेवालन देवी मंदिर में मौजूद है, सबसे पहले अपने भक्तों को जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको देवी मैया के दर्शन जो है वो कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं झंडेवालन देवी मंदिर में लगातार नवरात्रि की धूम जो है वो देखने को मिल रही है, और आज 5वें दिन भी देवी मैया को किस तरीके से सजाया गया है, उनका सुंदर श्रृंगार जो है वो किया गया है, और किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो इस वक्त मंदिर परिसर में की जा रही है। वहीं अगर पूरी तरफ देखेंगे तो फूलों से हरी घास से पूरे मंदिर को जो है सुंदर तरीके से सजाया गया है। कमल का फूल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि माँ को कमल का फूल जो है वो अति प्रिय है, और इसीलिए कमल के फूलों से भी सजाया गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ भी मंदिर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भजन कीर्तन जो है वो मंदिर परिसर में चल रहे हैं, और लगातार भक्त जो है वो भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि माँ को बुलावा दिया है और अब माँ आ चुकी है, इसीलिए उनका जो सम्मान है उसमें भक्त जो है वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मौजूद भक्तों से भी बातचीत करेंगे, आखिर क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आए और कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आए हैं और पहली बार आ रहे हैं? नहीं पाता रहे तो यहाँ पे तो कितनी मान्यता है, मान्यता है जो अभी मानते पूरे हो जाते हैं। कहाँ से आई आप? बिहार से। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही है? बढ़िया से। कलश रखा है घर में? हाँ। रख रही है? नॉक करते हैं? नहीं, चढ़ते उतरते। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है? बहुत सारी, माँ और मेरी पर्सनल बात। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही है? फास्ट रखे हैं पूरे, रोज माँ के मंदिर के दर्शन करने आते हैं। हाँ। देखिए डेली जो है वो भक्त यहाँ पर आते हैं, और आपको एक बार लंबी कतारें जो है वो भी दिखाना चाहेंगे। पूरे मंदिर परिसर में सुबह से ही लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है, और बाहर तक इसी तरीके से लोग जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक मौका जो है वो दर्शन करने का, माँ को देखने का मिल जाए, और इसीलिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लेकिन उत्साह जो है वो लोगों में है, और इसीलिए चारों तरफ आप जहाँ देखेंगे वो भीड़ी भीड़ जो भक्तों का हुजूम है वो नजर आएगा। क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है? बहुत कुछ श्रद्धा लेके आई हूँ, माता रानी पूरा करेगी, जरूर पूरा करेंगी हमारी आशा। कर रही है दर्शन कर बहुत दो तीन तीन दिन से। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए, माता रानी मेरी मनोकामना पूर्ण करें। कामनाएं जो है बहुत सारी जो है वो मन में लेकर भक्त जो है वो पहुंचते हैं, और क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है? हाँ, क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है दरबार में माँ के? कैसा लग रहा है दर्शन करके? तो देखिए किस तरीके से बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है, और देखिए हर किसी को चंदन जो है उससे टीका जो है वो लगाया जा रहा है, रोली टीका जो है वो भक्तों का किया जा रहा है। और यहाँ की अगर बात करें झंडेवालन देवी मंदिर की, तो यहाँ पर कोई भी भक्त जो है वो प्रसाद लेकर नहीं आता है बल्कि प्रसाद लेकर जाता है, तो अलग तरह की प्रथा जो है वो झंडेवालन देवी मंदिर में देखने को मिलती है, जहाँ पर लोग यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं। और वहीं अगर बात करें तो काफ़ी बेहद अच्छे तरीके से दर्शन करने का भी यहाँ पे सिस्टम जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइनें जो है वो दो बनाई गई हैं, भक्त आते हैं दर्शन करते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन करके निकल जाते हैं, तो ताकि भक्तों को भी दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये प्राचीन मंदिर है यहाँ की बेहद ज़्यादा मान्यता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो मंदिर में देखने को मिलती है, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार जो है वो मंदिर में दर्शन देवी मैया के करने के लिए करना पड़ता है। लेकिन जज्बा उतना ही ज़्यादा है भक्तों में, श्रद्धा उतनी ज़्यादा है कि उन्हें समय का पता ही नहीं लगता है। जी चंदन, बिल्कुल। ज़रा मैं प्रथमेश का रुख करता हूँ, मुंबई से प्रथमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई में क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है प्रथमेश? जी फिलहाल इस वक्त मौजूद मुंबई देवी, और सीधे आपको व्यूअर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े उनको सीधे दर्शन कराता हूँ। जो जिस तरीके से जो देवी है इतनी सुंदर, जिस तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है एक देवी को, तो आप देख सकते किस तरीके से भव्य मूर्ति जो है यहाँ पर रखी हुई है, किस तरीके से अलग अलग जितने डेकोरेशन किए, और सुबह से ही जिस तरीके से मुंबई देवी एक बहुत प्रसिद्ध एक टेम्पल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि मुंबई देवी में अगर आप आते हो कोई भी मनोकामना लेके, तो यहाँ
यहाँ पर पूरी की जाती है और यहाँ पर फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है, लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हैं और लगातार जो श्रद्धालु अपने जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं। किस तरीके से जो प्रसाद है वो माता के लिए लाया जा रहा है, देख सकते हैं किस तरीके से जो पंडित जी है वो यहाँ पर है, देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रसाद है वो यहाँ पर, जो हार है वो लाया जाता है यहाँ पर। जिस तरीके से हमने कई बार देखा हुआ है कि जब भी कोई भी मंदिर जाते हैं तब उनके साथ जो प्रसाद है, हार है, वो यहाँ पर लाया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो भजन भी साथ ही साथ वो भी चल ही रहा है, कई यहाँ पर कभी भी जो उत्साह है वो हमें कई बार कभी भी कम नहीं देखने को मिलता है। जो लोग हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? भाईकला। लग रहा है कि अभी माता जी के दर्शन हो रहे हैं, माता के दर्शन हो रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मैं नौ दिन करता हूँ। जिस तरीके से जो लोग आ रहे हैं 9 के 9 दिन दर्शन लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और बस एक वो मनोकामना रहती है कब अभी जो मुंबा देवी है उनके जो दर्शन है, माता जी के दर्शन है वो होंगे, किस तरीके से जो माता को किस तरीके से पूरे तरीके से श्रृंगार किया गया है। हालांकि मैं और भी लोगों से बातचीत करूँगा। किस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर लाया, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सर मैं यूपी से हूँ। यूपी से आ रहे हैं सर, बनारस से। बनारस कैसा लग रहा है आपको माता के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा है। और छोटा सा बच्चा? यस सर, यस सर। यूपी से जो मथुरा है वहाँ से लोग आ रहे हैं जिस तरीके से जो मुंबा देवी का जो दर्शन लेने के लिए, क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध एक देवी मानी जाती है, जिस तरीके से आप अपनी जो मनोकामना है वो लेकर आते हैं यहाँ पर, बहुत से लोग आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो मनोकामना है वो यहाँ पर पूरी की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक पावर्स मैं कहूँ या फिर क्या कहूँ मुझे वो शब्द नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुंबा देवी के जो एक जितनी पावर्स है वो सब यहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन लेने आते हैं अपने मनोकामनाएं, और कहीं ना कहीं लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद जो उनके मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होते हैं, ऐसा फिलहाल ऐसा जो लोगों की तरफ से यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर कुछ भी और भी लोग हैं उनसे, सर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं इधर ही BMC चौकी में काम करता हूँ। सर कैसा लग रहा है माता जी के आज दर्शन हो रहे हैं नवरात्रि के इस पावन बर्थडे है तो इसलिए माता जी के दर्शन करने के लिए? इंडियन एक्सप्रेस से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो जिस तरीके से जो अपने एक जन्मदिन है उनको मनाने के लिए माता जी के साथ यहाँ पर आते हैं, तो जिस तरीके से पूरा जो एक ताफा जो लोग हैं जो यहाँ पर जो श्रद्धालु है पूरी तरीके से जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो जिस तरीके से जो माता जी का वो दर्शन है वो लेने के लिए आ रहे हैं। हालाँकि अगर मैं इसकी जो अगर सुरक्षा के इंतज़ाम की अगर बात करूँ तो सुरक्षा के इंतज़ाम भी यहाँ पर चार चौगन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सिक्योरिटीज़ है वो भी यहाँ पर लगातार तैनात है, सिक्योरिटी तक लगातार यहाँ पर जो नज़र बनाए रखे कि कोई भी जो है ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि जहाँ पर कभी भी कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा भी चार चौगन, पंडित जी भी यहाँ पर जिस तरीके से जो मंत्र है वो यहाँ पर बोलेंगे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, वापस से आपको मूर्ति दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक भव्य जो मूर्ति है, भव्य एक श्रृंगार की जो मूर्ति है, जिस तरीके से पूरे जो हार उन्हें चढ़ाए गए हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हार है, एक जिस तरीके से अलग अलग टाइप की जो हार है जैसे गुलाब का हार हो जाए, अलग अलग जो हार हो जाए उन्हें चढ़ाए गए हैं, जिस तरीके से उनकी जो श्रृंगार किया गया है, जिस तरीके से उनका जो कपड़े उन्हें पहनाए गए हैं, बहुत एक भव्य तरीके से जो मूर्ति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भव्य मूर्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो क्योंकि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते तो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से वो जो मुंबा देवी उनके दर्शन ले सकते हैं जो देवी है, और इस पावन अवसर पर जिस तरीके से नवरात्रि का जो पावन अवसर हो रहा है, आज पाँचवा दिन है इसका, और इस पांचवें दिन के पावन अवसर पर इस मुंबा देवी के दर्शन लेना एक खुद में ही एक बहुत बड़ी एक बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो नवरात्रि रहती है मुंबा देवी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लोग लगातार आते हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से जो लोग हैं लगातार अपने जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आते हैं, दूर दूर से जो श्रद्धालु, हालांकि बस मुंबई के नहीं बल्कि जो अलग अलग पार्ट्स से इंडिया के वहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और लगातार जो अपने जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आते हैं और बस एक ही चाह रहती है कि कब हमारा जो दर्शन है वो यहाँ पर हो जाए और कब हमें जो माता को देखने के लिए कब हमें मौका मिलेगा, बस वही एक जो इंतज़ार रहता है श्रद्धालु की तरफ से यहाँ पर किया जाता है। जी चंदन, बिल्कुल अक्षय का एक बार मैं फिर से रुक करता हूँ। जयपुर से तमाम तस्वीरों के साथ अक्षय बने हुए हैं। अक्षय, आपके आसपास बहुत सारे श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश भी उनसे कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कितने उत्साहित हैं।
अक्षय आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल दोहराएंगे एक बार। जी मैं कह रहा हूँ आपके आसपास मुझे बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जरा उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिए, कितने उत्साहित हैं माता के आशीर्वाद को प्राप्त करके। जी देखिए, सबसे पहले इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं उनको जो माता रानी के सुबह सुबह के जो दर्शन है वो मैं करवाना चाहूंगा। मेरे पीछे तस्वीरें देखें कि बड़े सुंदर तरीके से चनिया चोली जो है माता रानी को जो पंडितों द्वारा आम भक्तों द्वारा यहाँ पर अर्पित की जा रही है, माता रानी को खुश किया जा रहा है। तस्वीरें देखें कि बड़ा ही सुंदर नजारा जो है माता रानी का वो सीधे तौर पर इंडिया न्यूज के जो दर्शक है उनको देखने को मिल रहा है और माता रानी को यहाँ पे खुश करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बताया कि पूरे दिन भर में, अभी जो पंडितों ने बताया था मंदिर में, कि पूरे दिन भर में 9 बार जो है माता के वस्त्र चनिया चोली बदले जाते हैं और माता रानी को पूरे दिन भर में कम से कम 3 बार भोग लगाया जाता है। तो मान सकते हैं कि जो भक्तों का यहाँ पे जो ताता है, भक्त यहाँ पर मंदिर में प्रसादी ग्रहण करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। जो भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कैसा लग रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के 9 दिन शक्ति के दिन कहे जाते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये शारदीय नवरात्र हैं, आज स्कंद माता माता का दिन है और उनकी जो है उनके स्रोत भी पड़े जाते हैं, उनका कवच भी होता है और उनकी जो है उनकी आरती भी होती है। और स्कंद माता का मतलब होता है, स्कंद का मतलब होता है कार्तिक भगवान, वो कार्तिक भगवान की माता यानी कि पार्वती माता, और ये उन्हीं की आराधना की जाती है। व्रत का क्या महत्व है? व्रत भी करते हैं आम भक्ता, फलार करते हैं, लहसुन प्याज इन सब चीजों से 9 दिन दूर रहते हैं। हाँ, वो लहसुन प्याज मतलब कि ये नॉन वेज के का माना जाता है, तो ये इसलिए से जो है वो दूर रहा जाता है। और माता का जो 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 व्रत होते हैं वो एकदम सात्विक होते हैं और एकदम मतलब निराहा मतलब अच्छे और बहुत ही मतलब अच्छे करने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए भक्त बड़े खुश नजर आ रहे हैं माता रानी के दर्शन कर प्रसादी ग्रहण कर, क्योंकि 9 दिन शक्ति पीठ के होते हैं। घरों में भी जो भक्तों ने हैं घट स्थापना कर रखी है, मंदिरों में भी आ रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, एक अलग ही जो नजारा है पूरे देश भर में माता रानी के मंदिरों में वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, बड़ा सुंदर नजारा सुबह सुबह मंदिरों में। मान सकते हैं कि ये 9 दिन। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक बार आरजू का रुख कर लेता हूँ, झंडेवालान मंदिर से आरजू मेरे साथ बनी हुई है। आरजू, चूंकि अब धीरे धीरे जो नवरात्र का पर्व है वो अपनी समाप्ति की ओर भी इस पांचवें दिन के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उनकी कतार जब आप पहले दिन मौजूद थी और अब, उसमें कितना अंतर नजर आ रहा है? अब बिल्कुल देखिए, फर्क कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से उत्साह जो भक्तों में पहले दिन देखने को मिल रहा था, वही उत्साह जो है आज भी पांचवें दिन जब समाप्ति की ओर नवरात्रि जा रहे हैं तब भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो तस्वीरों से ही समझ में आ सकता है। आप देख सकते हैं पहले दिन भी कुछ इसी तरीके की कतारें जो है वो मंदिर के बाहर तक नजर आ रही थी और आज भी कुछ वही तस्वीरें जो है वो मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है। वही अगर आप रौनक देखेंगे पूरे मंदिर में, अलग ही उत्साह जो है वो भक्तों में है, रौनक है, एक पॉजिटिविटी के दिन जो है इनको कहा जाता है, जब एकदम जो निगेटिव एनर्जीज होती है वो महसूस नहीं होती है। और आप देख सकते हैं कि वही रौनक जो है वो हर किसी के चेहरे पर है, हर कोई भक्ति में लीन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। भक्तों से भी बातचीत करेंगे और उनसे समझना चाहेंगे उनमें कितना उत्साह है, कितना उत्साह है नवरात्रि। बहुत खुशी है माता की, बहुत खुशी है। समाप्ति की ओर है, हाँ समाप्ति की ओर है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं भी पहुंच रही हैं, कितना उत्साह है नवरात्रि को लेकर। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। दर्शन करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और बातचीत, कैसा लग रहा है मैम दर्शन करके? बहुत अच्छा, बहुत। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही है? कलश रखा हुआ है आपने? हाँ जी हाँ। ठीक है, तो देखिए बेहद ज्यादा उत्साहित जो है वो भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो काफी लंबी कतार जो है वो मंदिर में लगी हुई है और अलग तरीके से लोग जो है वो अलग अलग पूजा करते हैं। 9 दिन 9 देवियों की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। आज स्कंद माता यानी कि पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और 9 देवी के स्वरूप जो है वो इन 9 दिनों में हर एक दिन एक देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना जो है वो भक्त करते हैं और वही आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साहित भक्त जो है वो नजर। सर कहाँ से आए? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अक्षय आपका भी
और प्रथमेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार तमाम तस्वीरों